हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम नेटवर्किंग को डिस्कस कर रहे थे। नेटवर्किंग में हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो था प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के हमने बेसिक जितने भी चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट समझ लिया था। हमने देखा था कि सारे प्रोटोकॉल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं और वो कैटेगरी को हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। आज मैं पिछले क्लास को ही कंटिन्यू करूंगा। आज मैं प्रोटोकॉल के ढेर सारे ऑप्शन को आपके सामने रखूंगा और बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो जैसे कि हमने बात किया था कि आज के इस क्लास में हमने ढेर सारे प्रोटोकॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिस्ट भी दिख रहा होगा। इन तमाम सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस प्रोटोकॉल वाले चैप्टर में, जिसमें हमारा पहला जो प्रोटोकॉल है वो है HTTP। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं HTTP क्या है और इसके डिटेल हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम HTTP के बारे में हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला लाइन लिखा हुआ है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यह एक प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, हमारे नेटवर्क में जितने भी फाइल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने में मदद करता है। ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई इंटरनेट पे सर्च मारते हैं तो वो सर्वर तक जाता है, सर्वर से कोई भी फाइल होता है तो उसको हमारे क्लाइंट वाले जो हमारा अपना PC होता है उस PC तक लेके आता है। ठीक है, तो ये मेन मकसद इसका है, क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट ट्रैवलिंग करना और डेटा को ट्रांसफर करना और लेके आना। ठीक है, आइए अब हम इसके कुछ एक और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, HTTP प्रोटोकॉल कैन बी यूज ट्रांसफर द डेटा इन द फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये जो प्रोटोकॉल है ये हाइपर टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पे हमारे ऑडियो वीडियो फाइल को भी इंटरनेट पे ट्रैवल करने में मदद करता है, साथ के साथ प्लेन टेक्स्ट भी। नॉर्मल अगर हम कोई टेक्स्ट भेजना चाहते हैं तो भी हम हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से ही भेजेंगे, HTTP के माध्यम से ही भेज सकते हैं। इवन हम ओवरऑल हर एक वेबसाइट की बात करें तो किसी भी आप वेबसाइट को देखते हैं तो वो वेबसाइट HTTP से ही स्टार्ट होता है। किसी किसी प्रोटोकॉल में S लगा होता है, किसी किसी में S नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि जो S लगा होता है उसमें SSH एल्गोरिदम लगा होता है सिक्योरिटी के लिए, और जिसमें केवल HTTP होता है वो थोड़ा सा सिक्योर लेस होता है, उसमें सिक्योरिटी कम होता है। लेकिन जिसमें HTTPS, दैट मीन्स कि SSH, उसमें एक एल्गोरिदम के माध्यम से वो जो डेटा को है इनक्रिप्ट करके इंटरनेट पर ट्रांसफर करता है, सो इसके कारण वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है और वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लगभग एक ही काम करते हैं, एक सिक्योर लेस होता है और एक सिक्योर होता है। ठीक है, तो आगे से जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करें तो वहाँ पे इस चीज़ को जरूर देखें कि कौन किस वेबसाइट में के प्रोटोकॉल में S लगा हुआ है और किस में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आइए इसको हम थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझें कि जो ये हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो क्या क्या मैसेज ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि मैसेज ये दो तरह के ट्रांसफर कर सकता है। पहला जो है वो रिक्वेस्ट भेजने का काम करेगा और दूसरा जो है वो रिस्पॉन्स लेके आने का काम करेगा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये दोनों मैसेज को इजिली ट्रैवल कर सकता है इंटरनेट की दुनिया में। अब ये क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है, तो इनको हम एक प्रैक्टिकली डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि यह मेरा अपना PC हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया। अब आपको गूगल पे जाके कुछ सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो सर्च किया, तो मेरे सारे वीडियो कहाँ पे अपलोड करके रखे गए हैं, तो यूट्यूब के सर्वर पे रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया यूट्यूब का सर्वर। ठीक है, और यह हो गया अपना क्लाइंट PC। ठीक है, यहाँ हम इसको क्लाइंट PC के नाम दे रहे हैं कि अपना पर्सनल कंप्यूटर जो लोकल कंप्यूटर है, या फिर मोबाइल फोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप PC हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है तो ये अपना क्लाइंट कंप्यूटर हो जाता है, और जो यूट्यूब का सर्वर हो गया, गूगल का सर्वर हो गया, ईमेल का सर्वर हो गया, किसी भी टाइप का सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, तो क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट में क्या भेजेगा, मुझे YouTube का पेज चाहिए, मुझे Facebook का पेज चाहिए, मुझे आधार कार्ड का पेज चाहिए, बिहार गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट चाहिए, कोई कॉलेज का वेबसाइट चाहिए, किसी भी टाइप को हम सर्च मारते हैं गूगल पे तो वो हमारा एक रिक्वेस्ट होता है, और रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, सर्वर तक जाता है। अब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद जिस टाइप का रिक्वेस्ट आया होगा उस तरह का वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है,
तो जो क्लाइंट ने जो कुछ भी पूछा है इंटरनेट पे, वो एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में कहाँ जाएगा, तो सर्वर तक पहुँचेगा, और सर्वर जो रिप्लाई देगा वो हमारे क्लाइंट तक पहुँचेगा एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये वर्क होता है HTTP का, वो रिक्वेस्ट को लेके जाएगा सर्वर तक, और सर्वर से जो भी डिटेल होगा वो हमारे क्लाइंट PC तक लेके आने में काम करता है। तो मेन रोल आपको समझ में आ गया होगा कि HTTP का वर्क क्या है। HTTP का मेन वर्क यही है कि हमारे जो भी डेटा है उसको प्रॉपर सर्वर तक लेके जाना, और सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स को हमारे क्लाइंट तक लेके आना। HTTP अगर नहीं रहता तो हम इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है HTTP के थ्रू ही हो रहा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये SMTP का फुल फॉर्म है। अब इसका फुल फॉर्म से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये किस पर्पज से यूज होगा, तो मेलिंग पर्पज से यूज होगा। यानी कि जब हम इंटरनेट पे हम ईमेल सर्विस का यूज कर रहे हैं तो ईमेल सर्विस करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल आता है, और वो प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, SMTP प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, लेकिन केवल SMTP ही नहीं होता, पूरे ईमेल की जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, आइए हम आगे देखेंगे। पहले इस स्टेटमेंट को हम समझे, तो यहाँ पे लिख रहा है SMTP इज द सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइन दैट allow software to transmit an electronic mail over the internet। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा SMTP प्रोटोकॉल होता है, यह एक गाइडलाइन हमें करता है कि हम इंटरनेट पे ईमेल कैसे भेज सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक मैसेज कैसे भेज सकते हैं, अपनी कुछ डेटा कैसे शेयर कर सकते हैं। तो SMTP के मदद से हम बहुत सारे ईमेल एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक पहुँचाया जा सकता है। ईमेल जो होता है एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, यानी कि जो सेंडर होता है वो ईमेल जब भी सेंड करेगा तो वो कहीं ना कहीं सर्वर पे जाएगा, फिर वो सर्वर क्या करेगा कि अपने क्लाइंट को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ईमेल जो सर्विस है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, और ये जो सर्वर तक डेटा पहुंचाने का जो काम करता है उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, SMTP कहते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ एक और प्रोटोकॉल को यहाँ पे देखें। तो लिख रहा है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल, यानी कि ईमेल में दो तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक सेंडर के लिए और एक रिसीवर के लिए। ठीक है, यानी कि जो सेंडर सेंड करेगा डेटा उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो उस प्रोटोकॉल को हम SMTP कहेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर कितना होगा, 25। पोर्ट नंबर क्या होता है, तो इंटरनेट पे जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, इंटरनेट पे जो भी लिंक डेटा ट्रांसफर होते हैं वो किसी ना किसी पोर्ट नंबर से ही ट्रांसफर होंगे। पोर्ट नंबर बताता है कि वो किस गेट से निकल के गेटवे तक पहुंचेगा, किस रूट से होके वो सर्वर तक या दूसरे डिवाइस तक पहुंचेगा, ताकि उसमें कोलाइज ना हो, टकराए ना, डेटा क्रैश ना हो, इसलिए अलग अलग पोर्ट नंबर डिवाइड होते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है प्रॉपर इंटरनेट पे ट्रैवल कर सके। ठीक है, यहाँ पे SMTP हमने समझ लिया कि इसका यूज हम करते हैं सेंडिंग टाइम पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा बता रहा है POP, POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन का प्रोटोकॉल हो गया। ये भी अभी भी यूज होता है कभी कभी रेयर केस में, बट अब जो ज्यादातर यूज होते हैं वो यूज होता है IMAP प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है वो है 110, एंड IMAP प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है वो है 143। IMAP का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट पे मीडिया फाइल शेयर करने के लिए या फिर मैसेज शेयर करने के लिए हम IMAP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले POP यूज होता था उसके बाद IMAP क्यों यूज होने लगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को इनको देखना चाहेंगे कि ईमेल का एक मेरे पास डायग्राम है, उस डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेंडर है, ये सेंडर क्या करेगा, तो हमारे पास जो मैसेज है उस मैसेज को ये सेंड करने का काम करेगा। ठीक है, एक हमारे पास ईमेल है, इस ईमेल को ये सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंड कहाँ कर रहा है, तो यहाँ लिख रहा है सेंडर ईमेल, ईमेल सर्वर। ठीक है, जो सेंडर का ईमेल सर्वर होगा, मेल सर्वर होगा, उस सर्वर तक सेंडर का मैसेज पहुंचेगा। फिर वो क्या करेगा, SMTP के मदद से वो क्या करेगा, वो क्लाइंट के सर्वर तक पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल, अलग अलग सर्वर हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में मान लो कि सेंडर यूज कर रहा है गूगल का ईमेल यूज कर रहा है, यानी कि जीमेल यूज कर रहा है ना,
लेकिन रिसीवर जो है वो याहू मेल यूज कर रहा है, तो फिर तो अलग अलग सर्वर हो जाएंगे, है ना। तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर सेंडर सर्वर तक डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होगा। लेकिन जब सर्वर से क्लाइंट तक डेटा रिसीव होगा, अब रिसीव करने के टाइम पे दो गो प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक POP मिल रहा है और एक IMAP मिल रहा है, ठीक है। तो जो POP प्रोटोकॉल था ये पहले यूज होता, तो पहले क्या होता था ना कि जब हमने डाउनलोड कर लिया ईमेल एक बार, उसके बाद सर्वर पर से डिलीट हो जाता था, यानी कि वन टाइम यूज था। जिस PC में डाउनलोड हो गया अब उस PC में हमेशा के लिए रह गया। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि ईमेल से आप कितना हो बार डाउनलोड कर लो, आपका ईमेल सर्वर पे सेव रहेगा। अगर आप ईमेल से डिलीट भी कर देते हैं तब भी वो 30 दिन का बैकअप रखेगा रिकवरी करने के लिए, है ना, ट्रैश फिल्टर में चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो IMAP प्रोटोकॉल होता है वो इंटरनेट पे मैसेज सेंड करने के लिए और साथ के साथ मीडिया शेयर करने के लिए भी इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो IMAP जो है वो हमें फैसिलिटी देता है कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी मैसेज को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमें फैसिलिटी देता है IMAP। लेकिन POP जो था वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन हमें फैसिलिटी देता था कि जो भी ईमेल है आपने PC में डाउनलोड कर लो, उसके बाद उसको यूज करो। लेकिन IMAP क्या कहता है कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो और फिर मान लो कि फिर दूसरे जगह आप कहीं चले जाते हो तो फिर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तभी तो आजकल हम लोग हमारा अपना कोई भी डेटा होता है तो हम ईमेल पे रख के निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि ईमेल पे है तो हम चलते फिरते कहीं भी, आज हम अपने बिहार में हैं तो कहीं अगर हम दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ भी ईमेल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोलकाता में गए तो वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन एक टाइम अगर हमें यूज़ करना होता, अगर POP फ्री से यूज़ कर रहे हैं, एक बार हम अपने PC में डाउनलोड कर लिए तो फिर अगर हम दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं फिर हमें डेटा की ज़रूरत है तो हम फिर दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते थे, तो ये डिसएडवांटेज इसमें था। तो इसी वजह से इसमें IMAP प्रोटोकॉल का यूज किया गया। इससे क्या होगा कि आप ईमेल सर्वर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ईमेल सर्वर पे भी रहेगा, आपके PC में भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा, यानी कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ये हमें दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है IMAP। तो IMAP सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है और अभी भी IMAP यूज हो रहा है, और IMAP का जो पोर्ट नंबर है वो है 143 और जो POP है, अच्छा यहाँ पे POP 3 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैं POP 3 है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे POP 3। अब यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इस 3 का मतलब क्या है, तो POP का तो फुल फॉर्म आपने समझ लिया कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, लेकिन यहाँ पे 3 का मतलब है कि ये वर्जन 3 है, तीसरा नंबर इसका वर्जन है, ठीक है, ये 3 का मतलब हो गया। तो यहाँ आपने पूरी की कहानी समझ लिया कि जो सेंडर है वो रिसीवर तक भेजने से पहले वो सर्वर पे अपने डेटा को सेंड करेगा, ठीक है, और ये सर्वर क्या करेगा, फिर जो क्लाइंट का सर्वर होगा उसके पास भेजेगा और फिर वो सर्वर से क्लाइंट अपने डेटा को रिसीव करेगा। तो ये जो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है और इसमें जो ये सब प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो TCP के मदद से हो रहा है। TCP का मतलब क्या होगा, क्या कि ये सिक्योर है, सिक्योर होने के साथ साथ रिलायबल भी है, हम इस पे भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी के साथ साथ सामने वाले का भी ईमेल आईडी हम यूज करते हैं। आईडी यूज करने का मतलब क्या होगा कि उसका एक लिंक बन जाएगा और फिर डेटा ट्रांसफर होगा। अगर सामने वाले बंदे का ईमेल गलत हमने यूज किया है, उसका ईमेल आईडी गलत है, तो फिर हम तो यहाँ से सेंड कर देते हैं तो फिर वो मेरा बैक वापस आ जाएगा और हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि जो हमने सेंड किया था वो रिसीव नहीं हुआ, मिसिंग हो गया, वो जो ईमेल आईडी है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह के हमें एक मैसेज भी मिल जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि सारे प्रोटोकॉल्स TCP और UDP में कन्वर्ट होते हैं, तो जहाँ सिक्योरिटी वाली बात आ जाता है वो सारे प्रोटोकॉल TCP के अंतर्गत होते हैं, तो SMTP भी हमारा एक TCP प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। ओके, तो उम्मीद है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको समझ में आए होंगे, SMTP आपको समझ में आएगा, SMTP के साथ साथ POP भी ये समझ में आया होगा कि SMTP ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है, POP या IMAP ये ईमेल रिसीव करने के लिए यूज होता है क्लाइंट साइड पे, ठीक है, रिसीवर साइड पे। ओके, तो यहाँ हमने SMTP की डिटेल समझ लिया, और अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप
बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और सबसे बेहतरीन एक प्रोटोकॉल है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या पूछता है, तो सबसे पहले इसमें पूछता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर ये जो वर्क करता है, दो को पोर्ट नंबर पे ये काम करता है, पोर्ट नंबर 20 एंड पोर्ट नंबर 21, ये दोनों पोर्ट का यूज करता है। कब किसका यूज करता है, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये बेहतर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म से बात करते हैं कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है कि हमने एक नेटवर्क बना रखा है, अब हमारा सर्वर कहीं और है, वहां से डेटा लेना चाहते हैं, तो अपने सर्वर से क्लाइंट पे डेटा लेने के लिए इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। और इसमें दो को कनेक्शन बनाए जाते हैं, सबसे पहले कंट्रोल कनेक्शन, उसके बाद डेटा कनेक्शन, दो कनेक्शन इसमें बनाए जाते हैं, तब ये जाके वर्क करता है। और इन्हीं दोनों कनेक्शन बनाने के लिए दो को पोर्ट नंबर यूज होता है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, इट इज मेनली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द वेब पेज फाइल फ्रॉम देयर क्रिएटर टू द कंप्यूटर दैट एक्ट एज अ सर्वर अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। यानी कि कहीं क्रिएट हुआ है फाइल जो कि क्रिएटर ने क्रिएट किया है और सर्वर पे वो अपने डेटा को सेंड करना चाहता है, या फिर अपने डेटा को सेव करके क्रिएट करके बना के सर्वर पे रख लिया है, अब जब चाहे वो वहां से रिसीव करना चाहता है। तो इसका मेन मकसद यही है कि हमने देखो क्या होता है, मेन तरह से इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे कि एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इसमें के कुछ कंप्यूटर हैं और इसमें कुछ कंप्यूटर्स बने हुए हैं और इसमें कुछ कंप्यूटर बने हुए हैं, और कहने का मतलब कि यहाँ फाइल एक जनरेट हुआ और ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक सर्वर रखा हुआ है, तो ये अपने फाइल को इस सर्वर में सेव कर दिया, ठीक है। अब सर्वर में डेटा सेव हो गया, अब इस बंदे की जरूरत है, तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से अपने डेटा को रिसीव करके इसको दे देगा, ठीक है। जो क्रिएटर ने अपना डेटा सेव करके रखा होगा, इसके पास एफटीपी का क्लाइंट बना हुआ होगा, और ये क्लाइंट मान लो कि इस कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है, तो फिर ये इससे एफटीपी के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करा सकता है, फाइल ले सकता है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो फाइल एक जगह जनरेट हो गई, हमने एक जगह सेव कर दिया है और उसको हम जब चाहे तब उसको एक्सेस करना चाहते हैं। इसमें परमिशन दिया जाता है, कुछ इसके कमांड्स होते हैं, कमांड के द्वारा ही ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है इट इज ऑल्सो यूज डाउनलोडिंग द फाइल्स कंप्यूटर फ्रॉम द अदर सर्वर्स, यहाँ पे वही बता रहा है कि हम किसी भी क्लाइंट से हम सर्वर से डाउनलोड करके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम को अगर हम समझे तो यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस है, यानी कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन होगा जहां से यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, अब यूजर क्या करेगा कि सर्वर के कंट्रोल प्रोसेसिंग और अपने कंट्रोल प्रोसेसिंग को लिंक करेगा। सबसे पहला का काम होता है कनेक्शन बनाना। देखो एफटीपी में जब तक कनेक्शन बनेगा नहीं तब तक ट्रांसफर होगा नहीं, और ये किसका रोल है, ये रोल है टीसीपी का। टीसीपी हमने समझा था कि यहाँ पे सिक्योरिटी बनाएगा और सबसे पहले कनेक्शन बनाएगा, इसी कारण से इसको कनेक्शन ओरिएंटेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन बनता है, ये कनेक्शन बनता है पोर्ट नंबर 21 पे, ठीक है। 21 पे ये कनेक्शन बना लेगा, कनेक्शन बनाने के बाद क्या होगा कि फिर सर्वर से डेटा को रिसीव करना हो या सर्वर पे डेटा को अपलोड करना हो, ये दोनों काम किया जा सकता है। और ये काम कितने नंबर पे होगा, तो पोर्ट नंबर 20 पे होता है, यानी कि डेटा ट्रांसफर करने वाला काम पोर्ट नंबर 20 पे होगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो वो काम कितने नंबर पे होगा, तो पोर्ट नंबर 21 पे होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो यूजर इंटरफेस है वो क्या करेगा, पहले कंट्रोल कनेक्शन बनाएगा और जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। डेटा ट्रांसफर हो जाने के बाद फिर डेटा का जो लिंक है वो खत्म हो जाएगा और जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बार जब डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो सारा लिंक खत्म हो जाता है। अब फिर से अगर हमें दोबारा डेटा ट्रांसफर करना है तो अब हम उस केस में क्या करेंगे, तो फिर से हम कनेक्शन बनाएंगे और कनेक्शन बना के हम फिर से क्या करेंगे, फिर से डेटा ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर ये 21 पे कनेक्शन बनाता है और 20 पे डेटा ट्रांसफर करता है, ओके। तो उम्मीद है कि ये जो एफटीपी है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एफटीपी सिंपल डेटा ट्रांसफर करने में काम किया जाता है और ये एक बहुत ही बेहतरीन
और बहुत ही इफिशियंटली है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। और भी एक दो हमारे पास प्रोटोकॉल रह जाते हैं, जो जैसे कि है टेलनेट है, डीएनएस है, तो इन सारे प्रोटोकॉल हैं, इन सारे प्रोटोकॉल को अब हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इसको आज के यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न रह जाता है, हमने जो तीन प्रोटोकॉल डिस्कस किया है, अगर इनमें कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये हमारा समझाया हुआ जो प्रोटोकॉल का जो कॉन्सेप्ट है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, या फिर जो मैंने पढ़ाने का समझाने का जो तरीका है वो अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से सारे चीजों को आराम से कंप्लीट समझ सके, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सके। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में नए प्रोटोकॉल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।